नमस्कार, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किडनी फेलियर के बारे में कि आखिर में किडनी फेलियर क्या बीमारी है, किन किन वजह से किडनी फेलियर किसी इंसान के अंदर देखने को मिलता है और कैसे बढ़ते हुए किडनी लेवल यूरिया लेवल को कंट्रोल में लेकर आया जा सकता है। किडनी फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसे समझना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना इस बीमारी को समझे कोई भी पेशेंट अपने किडनी लेवल यूरिया लेवल को कंट्रोल में लेकर नहीं आ सकता। इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए कि किडनी फेल आपके केस में किस वजह से हो रही है। एक बार आप ये जान लेते हो कि आपकी किडनी क्यों खराब हो रही है तो उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि किडनी अपने आप तो खराब हो नहीं रही, कोई ना कोई कारण जरूर होगा जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर वो कारण आपकी बॉडी में अभी भी है तो आपकी किडनी कंटिन्यूअसली खराब होती चली जाएगी। रिजल्ट क्या होगा कि किडनी पूरी खराब हो जाएगी, डायलिसिस करवाना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं उस बीमारी की पहचान से जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। 80% केसेस जो किडनी फेलियर के होते हैं वो आते हैं ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से। तो सबसे बड़ी जो कारण होते हैं किडनी फेलियर के, यही दो बीमारी हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे केस के अंदर किडनी किस वजह से खराब हो रही है। इसको पहचानना बहुत आसान होता है। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर आपकी किडनी श्रिंक होती हुई आ रही है और आपको हिस्ट्री रही है हाई ब्लड प्रेशर की, तो आपकी किडनी के खराब होने के पीछे कारण है आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। वहीं पर अगर आपकी हिस्ट्री है कि आपको बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज थी और आपने अगर अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसके अंदर किडनी का साइज नॉर्मल आ रहा है, तो पूरे पूरे चांसेस है कि किडनी आपकी खराब हो रही है डायबिटीज की वजह से। अब ये तो हो गए 80%, मगर 20% केसेस वो होते हैं जिनके अंदर किडनी खराब हो रही होती है या तो फिर IgA नेफ्रोपैथी की वजह से या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी की वजह से। अब पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर में क्या देखने को मिलता है? पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर किडनी का साइज बड़ा होना शुरू होता है और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी सिस्ट देखने को मिलती है, कि बहुत सारी सिस्ट उस पर जमा हो रही है। अगर आपकी किडनी का साइज नॉर्मल है और आपने किडनी की बायोप्सी करवाई है तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं IgA नेफ्रोपैथी का। तो हमें पहले क्या करना है? अपनी बीमारी की पहचान। तो अगर हमें बीमारी की पहचान हो गई कि हमारी किडनी को किस वजह से नुकसान हो रहा है, तो शुरुआत करते हैं उसके ट्रीटमेंट से। अब जब आपको पता लग गया है कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है, तो उस पर काम कर हम किडनी को फर्दर डैमेज से बचा लेंगे। तो अगर आपकी किडनी श्रिंक हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हो रही है, तो पहला काम आपका क्या है कि किसी भी तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट में लेकर आना। नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120-80 का होता है, मगर जब आपकी किडनी इसी ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हो रही है तो उसे थोड़ा सा नीचे रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जो नॉर्मल लिमिट है उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो क्या बनेगा? 120 और नीचे का 70, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो आपका नीचे वाला होता है, डायसिस्टोलिक होता है, वो किडनी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो हम अपने डायसिस्टोलिक को 80 की जगह 70 रखना पसंद करेंगे, कि अगर किसी भी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो 70 से 80 जाएगा, अगर हम उसे 80 रखेंगे तो ऊपर बढ़ेगा तो 80 से 90 जाएगा। इसी वजह से अपने ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा नीचे रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। उसके लिए हमें चाहे जो मर्जी करना पड़े, चाहे हमें नमक छोड़ना पड़े, चाहे पानी की अमाउंट को थोड़ा सा कम करना पड़े, चाहे हमें अपनी मेडिसिन को बढ़ाना पड़े, मगर हमने अपने ब्लड प्रेशर को किसी भी कीमत में कंट्रोल में लेकर आना है, जिससे हमारी किडनी को आगे और कोई नुकसान ना हो। इसी तरह से डायबिटीज़ में करेंगे, डायबिटीज़ का जो लेवल होता है, शुगर का जो लेवल होता है, वो नॉर्मली हम फास्टिंग में 80 रखते हैं और अपना पीपी के अंदर हम 110-120 रखते हैं, मगर आप इसको इस तरह से लीजिए कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप ये नॉर्मल वैल्यूज को कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। तो हमने अपने शुगर लेवल को, चाहे फास्टिंग और पीपी हो, उसको 180 से नीचे नीचे रखना है हर कीमत के ऊपर, चाहे उसके लिए हमें थोड़ी सी इंसुलिन की अमाउंट क्यों ना लेनी पड़े। क्योंकि जैसे ही आपकी शुगर आपकी बढ़ेगी, 200 क्रॉस करेगी, ये हाई शुगर लेवल आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे, वहाँ की ब्लड सप्लाई को कम करना शुरू करेंगे, जिसका नुकसान क्या होगा कि किडनी अपने फंक्शंस को खोएगी और रिजल्ट क्या होगा, किडनी लेवल यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमने अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में करना है। इसी तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर, क्योंकि किडनी के ऊपर सिस्ट बन रही है, तो उस सिस्ट का साइज़ को हमें छोटा करने पे काम करना पड़ता है। उसके अंदर फ्लूइड भर रहा होता है, पानी भर रहा होता है, तो उसकी ड्रेनेज को हमने बढ़ाना होता है। इसी तरह से अगर आपको IgA नेफ्रोपैथी है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो किडनी को साफ करने की जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर डिपॉजिट्स हो रहे होते हैं IgA इम्यूनोग्लोबिन के। अभी आपके इम्यूनिटी का हिस्सा है, तो अगर हम सिर्फ किडनी का इलाज करेंगे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा आपकी इम्यूनिटी के ऊपर, कि आपकी इम्यूनिटी जो हाइपर एक्टिव है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए। इसके लिए यूज़ किए जाते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर, यानी जो आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करें, ज़्यादा है तो कम, कम है तो उसको प्रॉपर अमाउंट में लेकर आए, जिससे आपकी किडनी को डैमेज है वो बच जाए। क्योंकि जब उस पर IgA इम्यूनोग्लोबिन की डिपॉजिशंस हो रही हैं, तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो फिल्टर करती है,
उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, वो मोटी होनी शुरू हो जाती है, तो हमने उस पर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आपने इतनी बात को समझ लिया हो तो आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले हमने काम करना है कि उस चीज़ के ऊपर जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। एक बार वो बीमारी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, तो वहाँ से आपकी किडनी लेवल, यूरिया लेवल को डाउन करना आसान हो जाता है। अब किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि हमने बेसिकली किसी भी ट्रीटमेंट से क्या करना है, अपने ब्लड की केमिस्ट्री को मेंटेन करना है कि उसमें क्रिएटिनिन कम बने, यूरिया कम जाए, लेवल कंट्रोल में रहे। तो हमने क्या करना है कि ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन, यूरिया की प्रोडक्शन या फिर पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा जाए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक बंद कर देंगे। तो पहले हम अपनी रिपोर्ट देखेंगे, अगर हमारी ब्लड की रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन सही अमाउंट में आ रहा है तो हम जो एक्स्ट्रा प्रोटीन खा रहे हैं, एग्स ले रहे हैं, नॉन वेज ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, इसको बंद कर देंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि बॉडी में वेस्ट मटेरियल कम जाएगा और आपके किडनी लेवल तेजी से बढ़ते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपका पोटेशियम ज़्यादा आ रहा है तो जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, जड़ वाली सब्जी, आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकंद, कचालू, इनको बंद कर देंगे क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। हम वो सब्जियां लेंगे जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा हमें कम देखने को मिलती है, घिया, तोरी, परवल, पैठा, करेला। तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम बनी रहेगी। डाइट जो है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। मैं चाहता हूँ कि इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट ना करें, इसके लिए आप हमारे चैनल पर जो डाइट की बाकी वीडियोस हैं उसको जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह की डाइट एक किडनी फेलियर पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए। अब वापस आते हैं किडनी फेलियर के ऊपर कि किस तरह से हम किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर किडनी लेवल, यूरिया लेवल को डाउन कर सकते हैं। तो पहला है डाइट, कि डाइट से अपने बॉडी को गंदा ही कम करो। दूसरा तरीका है किडनी, किडनी अपने फंक्शन को एक्सपेंड कर सकती है। आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को दे देता है तो दो में से एक किडनी हो गई, एक किडनी होने के बावजूद उसका किडनी लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता। अब अपने आप से एक बार सवाल करके देखो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो में से एक किडनी होने के बावजूद भी किडनी लेवल नहीं बढ़ा। इसलिए होता है क्योंकि किडनी के पास एक खूबी होती है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की, अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने की। ये जो खूबी है किडनी की, ये हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करनी होती है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 4 है, मान लो कि आपका क्रिएटिनिन लेवल 4 है, यानी आपकी किडनी जहां तक है 60-70% तक डैमेज हो चुकी है, तो हमारे पास काम करने लायक कितनी किडनी बची हुई है, 30%। अब 30% किडनी हमारे पास जो फंक्शनल है, हमने पहले उसको बचाया कि जो बीमारी जो किडनी को 60% डैमेज किया, 70% डैमेज किया, हमने उसको हटा दिया, तो 30% हमारे पास सेव हो गई। अब इस 30% किडनी के जो फंक्शंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो 30% से 40-50% तक जाती है, तो किडनी लेवल आपका 4 का 2 या फिर नॉर्मल लिमिट्स में आ जाएगा। अब ये जो लेवल आपका 4 से जो नॉर्मल हुआ है वो कैसे हुआ, ये तब हुआ जब हमने किडनी के फंक्शंस को एक्सपेंड किया, हमने अपनी बॉडी को गंदा कम किया और अपनी किडनी की फिल्ट्रेशन को बढ़ाकर अपने लेवल्स को मेंटेन किया। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, अपने किडनी के फंक्शंस को एक्सपेंड करना और जिस बीमारी से आपकी किडनी को नुकसान हो रही है इसको रोक देना, जिससे आपकी किडनी फर्दर डैमेज में ना जाए, आपको आगे चल के कोई भी नुकसान ना हो। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको इन चीज़ों के बारे में समझना चाहिए कि किडनी अपने फंक्शन को एक्सपेंड कर सकती है। ये एक्सपेंशन हमें यूज़ करनी चाहिए हर किडनी फेलियर पेशेंट में, तभी जब आपके किडनी लेवल, यूरिया लेवल डाउन में आ पाएंगे, कंट्रोल में आ पाएंगे, किडनी आपकी बच पाएगी, आपको किसी भी डायलिसिस की, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं अभिषेक जी के फादर। ये हमारे पास पिछले महीने नवंबर में हमारे पास आए थे अपने बेटे की किडनी फेलियर की दिक्कत लेकर। और अभिषेक अभी मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जी सर, है ना, हो गया इंजीनियरिंग में जी उसका? जी सर। तो कब पता लगा था आपको कि इसकी किडनी खराब हो रही है? सर 2016 में। 2016 में तब लेवल क्या थे? उसमें क्रिएटिनिन का लेवल सर 2.4 था। 2.4। फिर आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया उसमें? चंडीगढ़ सर 2 साल। 2 साल तक चला जी। और फिर लेवल बढ़ते चले गए? बढ़ते चले गए। अब कितना लेवल था मेरे पास आने से पहले? फिर उसके बाद मैं सर दिल्ली में सर इलाज कराया 7-8 महीना। फिर इधर नेक्स्ट 6 महीने से सर गुड़गांव में सर। अच्छा, लेवल बढ़ते चले गए? बढ़ते चला गया। तो आपके पास जस्ट आए थे अगले महीने, 15 दिन पहले आए थे आपके पास। हाँ जी। तो 15 दिन पहले वहाँ पर क्रिएटिनिन सर उसका इंक्रीज करते करते 9 पर लेवल चला गया। अच्छा। और वहाँ पर फिर डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो मुझे बोले कि तुम अब घर चले जाओ और 1 महीना के अंदर में अपना ट्रांसप्लांट का तैयारी करो और इनको अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, अब अभी तुम तुरंत जाके डायलिसिस करा लो। उस समय बोले
फिर ये जो था वो डायलिसिस के लिए तैयार नहीं हुआ सर, कि मेरा पढ़ाई वढ़ाई सर अब डिस्टर्ब हो जाएगा, अब तो मेरा सारा चीज़ चला गया, अब कुछ नहीं है। तो फिर डायलिसिस नहीं कराया, उसके बाद जस्ट आपके पास आए आपके पास आए, उस समय उसको भूख नहीं लग रहा था। 3 दिन से आपके यहाँ जब आए थे तो उस समय 3 दिन से वो खाना नहीं खाया था। अच्छा। हाँ सर, ये रियल सच्चाई था। वो हंस रहा था बैठ के, लेकिन वो नहीं खा रहा था सर। अच्छा, बिस्किट नहीं सर, 2 बिस्किट भी देते थे तो नहीं खाता था। और एकदम उसको सर पैखाना भी नहीं होता था, 3 दिन तक सर पैखाना नहीं हुआ था। खाना नहीं खाया तो फिर बाहर भी नहीं आएगा। उसके बाद सर आपके यहाँ से ट्रीटमेंट जो मेडिसिन दिए, मेडिसिन लेके सर जा रहे हैं, रात में फीवर आया, फीवर आया, उसके बाद फिर फीवर का हम दवाई दिए थे, फीवर ठीक हो गया। और जस्ट पटना पहुँच के शाम से आपका मेडिसिन शुरू किया, 2 दिन के बाद से सर नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हो गया। सबसे पहले तो अच्छा नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हुआ, वो खाना फिर खाने लगा। और खाना खाते खाते सर वो आपका मेडिसिन चलते चलते 1 सप्ताह में वो अपने बोल दिया था कि मेरा अभी रिपोर्ट भी अच्छा आएगा, अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले थोड़ा भी चलता था तो हफ जाता था, क्लास वो छोड़ता नहीं था, क्लास जाता था। और उसके बाद सर आपका मेडिसिन से सर मैंने इतना रिलीफ मिला कि मैंने 3-4 दिन पहले वो गया था आपको 28-29 तारीख को टेस्ट कराने गया। अच्छा। जांच करा के आया, फिर उसको रिपोर्ट आया, वो इतना खुश था जिसका कोई हद। अब क्या लेवल है अभी सर? 4.8। पहले 9 से 4.8। हाँ। 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर सर। ठीक है, तो डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए भी बोला था, करवाई थी कभी बायोप्सी? हाँ सर। हाँ, तो 2016 में कराया था। बायोप्सी में क्या आया था कुछ याद है? नहीं सर, बायोप्सी तो रिपोर्ट है सर। अभी लाए हो? हाँ सर। दिखाओ जरा। अभिषेक जी जब हमारे पास आए तो उनकी बायोप्सी में ये कहा गया था कि उनको IgA नेफ्रोपैथी है। एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक चलती है, फैमिली में चलती है, और एक बार शुरू हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है, और जब ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है तो क्रिएटिनिन के लेवल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारे पास आए, क्रिएटिनिन के लेवल अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पाएंगे तो ये लेवल 9 इनका चल रहा था, और डेट है इस रिपोर्ट की 11 नवंबर। 11 नवंबर को इनका लेवल 9 था। 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया है अभी हमने इनको सिर्फ, और ये 30 नवंबर की रिपोर्ट है, 29 नवंबर का रिपोर्ट है, लेवल है इनका 4.8। 15 दिन के अंदर जो पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उसको आज की डेट में किसी भी ज़रूरत नहीं है। भूख जो नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हुई, क्योंकि बॉडी में जो क्रिएटिनिन यूरिया इकट्ठा हो गया था वो मेडिसिन की हेल्प से किडनी के थ्रू बाहर चला गया। जैसे जैसे बॉडी में से ये क्रिएटिनिन यूरिया बॉडी से बाहर जाता है, तो बॉडी में जो सिम्टम आ रहे होते हैं कि भूख नहीं लग रही, थकावट ज़्यादा हो रही है, वो ऑटोमेटिक तरीके से जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीनअप होनी शुरू हो जाती है। तो अब आपको कैसा लगता है? न सर, रिपोर्ट दी तो सर मेरा फैमिली देखा तो इतना खुश हुआ जैसा कोई हद नहीं था सर। ये पढ़ने वाला नया लड़का था और अच्छा, इसका अभी पढ़ाई भी चल रहा था सर। अभी कहाँ एडमिशन हुआ है उसका? अभी पटना में है सर, पटना IIT में उसका हो गया एडमिशन। जी जी जी। चलो, हमारी पूरी पूरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और अच्छे से देश का नाम रोशन करें। ठीक है, और SS की इम्प्रूवमेंट है, चलती रहे। आपसे दोबारा मिलना होगा ना सर? अगला महीना आपसे आकर मिलेगा। चलिए ठीक है। तो आप कुछ समझ गए होंगे कि अगर हम सही तरीके से काम करते हैं, सही तरीके से डाइट फॉलो करते हैं, सही तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो पेशेंट के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इसी के साथ आप मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।